चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकें जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लेंगी बैठकें। कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जहां बैठकें शुरू होने वाली हैं। कई कमेटियों के साथ बैठक करेंगी आज प्रियंका गांधी। इलेक्शन स्ट्रेटजी पर और प्लानिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है कांग्रेस कार्यालय में। चार्जशीट कमेटी के पदाधिकारियों के साथ भी करेंगी बैठकें। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकें जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैठकें लेने जा रही हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जिसमें कई कमेटियों के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। इलेक्शन स्ट्रेटजी और प्लानिंग कमेटी की बैठक आज कांग्रेस कार्यालय में होने जा रही है। चार्जशीट कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है, जहां चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकें जारी। लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके से आया युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। लोकबंधु अस्पताल में युवक को कराया गया है भर्ती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूके से आया युवक मिला है कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, जिसके चलते लोकबंधु अस्पताल में युवक को कराया गया है भर्ती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूके से आया युवक मिला है कोरोना पॉजिटिव। एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच कमेटी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, लोकबंधु अस्पताल में कराया है भर्ती। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र को रौंदा। छात्र की घटना स्थल पर हुई है मौत। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिजनों में मचा है कोहराम। कोतवाली मैगलगंज की फतेहपुर चौकी क्षेत्र की है ये पूरी घटना। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक छात्रा को रौंदा, जिसके चलते परिवार में मचा है कोहराम। छात्र की घटना स्थल पर हुई है मौके पे ही मौत। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों में मचा है कोहराम। सोनपत कोयला खदान में दिखा है टाइगर, इस वक्त की बड़ी खबर। कृष्णशिला खदान कर्मियों में मचा है हड़कंप। निजी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने देखा है एक टाइगर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है इसका वीडियो। कृष्णशिला कोयला खदान के नजदीक है मध्य प्रदेश बॉर्डर, जहां कृष्णशिला कोयला खदान के नजदीक है मध्य प्रदेश बॉर्डर। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से, सोनभद्र कोयला खदान में दिखा है एक टाइगर, जहां कृष्णशिला खदान कर्मियों में मचा है हड़कंप। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निजी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने देखा है टाइगर, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। यहाँ कृष्णशिला कोयला खदान के नजदीक है मध्य प्रदेश का बॉर्डर, जैसा कृष्णशिला कोयला खदान की सोनभद्र कोयला खदान में दिखा एक टाइगर। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कृष्णशिला खदान कर्मियों में मचा है हड़कंप टाइगर देखने से।